हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो फिर आज मैं हाजिर हूँ नई साड़ी लेके। तो ये साड़ी मेरी मम्मी दी है मुझे। तो इसका मतलब ब्लाउज है ना, सिला हुआ है। इसका ब्लाउज अच्छा है, हैवी ब्लाउज है पूरा। लेकिन ये बहुत मतलब बड़ा था, मोटे लुक का था, तो मैं इसको छोटा करवाई इस ब्लाउज को। और मैं बहुत मतलब अच्छा बना दी, एकदम खूबसूरत बना दी हूँ इसमें डोरी वोरी लगा के। और देखिए पट्टी है, दोनों मैच खाता है। मतलब साड़ी पूरा सिंपल है लेकिन ब्लाउज पूरा हैवी है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आगे का ब्लाउज पूरा हैवी आगे का सीन। तो आप जो मतलब बीच टाइप का साड़ी पहनता है, बीच में पल्लू लेके, तो उसको अच्छा लगेगा। मैं वैसे नहीं पहनती हूँ पूरा, तो पूरा मतलब झापोत के पहनती हूँ, तो दिखता नहीं दिखता थोड़ा मतलब लेकिन दिखता है साइड से। इसका बॉर्डर सब एकदम थोड़ा हैवी है पूरा ब्लाउज। देखिए आप देख सकते हैं कितना हैवी है। आप पीछे मतलब मोटा नहीं पहनेगा, बहुत खूबसूरत दिखेगा, तो अच्छा दिखेगा। लेकिन मैं तो पतली हूँ, तो इसको बहुत मुझे दबाना पड़ा। इसको दबा के फिटिंग करवाई। और देखिए सब मैं रस्सी लगवाई हूँ अपने हाथ। इसमें रस्सी नहीं था, एक रस्सी थी, छोटी सी रस्सी थी, तो मुझे नहीं जमा वो एक रस्सी। और पूरा मतलब पीछे का बैक साइड पूरा दिख रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोली क्यों ना पूरा भर के ससुराल में पहनना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा ना पूरा खुला खुला। तो इसलिए मैं पीछे बोली 3-4 डोरी लगवा ली हूँ, 4-3 लगाई हूँ। और हुक तो उसमें लगा ही था, और फिर हुक लगवाई। नहीं इसमें हुक लगा नहीं था, बस मतलब सीन दिया था कैसे लगाना है, हुक तो उसमें हुक लगवाई। तो देखिए मेरा पूरा मस्त ब्लाउज है। बोल ये ब्लाउज देख के मैं साड़ी खरीदी। बोली मम्मी को कौन सा खरीदेगी? मैं बोली मत खरीद। तो मैं बोली क्या नहीं अच्छा है। बोले मैं सिंपल साड़ी ही अच्छा नहीं दिख रहा है। हमने साड़ी सिंपल होते क्या, ब्लाउज सिला हो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है भरा हुआ। किसी भी मतलब पहन सकते हैं, पर मैं किसी पे नहीं पहनती हूँ, इसी पे ही पहनती हूँ। तो देखिए अब चूड़ी के बारे, तो चूड़ी देखिए इस तरह मैं ये चूड़ी गांव से लाया हूँ। यहाँ पे चूड़ी नहीं मिलता है जल्दी, तो मैचिंग लाई हूँ गांव से उसके साथ। तो साथ में मैं पहले चूड़ी खरीद चुकी थी दूसरी साड़ी के लिए, लेकिन उसमें सेट नहीं खाया था, इसमें काम आ गया। तो देखिए मतलब इस कलर में मिल जाता है, साड़ी में पूरा मिल जाता है, बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर में देखिए गोल्डन दोनों मिला के पहनूँगी मैं। और मतलब कैसे भी आप पहन सकते हैं, खाली भी मिला के, तो मैं मिला के पहनूंगी। तो देखिए ये भी मैं गांव से ही लाई हूँ। मुझे चमकी वाला चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बिना चमकी का सामान खरीदती हूँ कुछ भी, उसमें चमक ना हो। मतलब चमक मतलब वो चमकी ऐसा वाला मतलब पूरा स्टार चमकने वाला नहीं आता है ना, वो चमकता अगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं खरीदती। तो देखिए मैं इस तरह चूड़ी का स्टेप बताऊंगी अब कैसे कैसे पहनना है, और मैं कैसे कैसे पहनूंगी और आप लोग कैसे पहनना है, सबका मन होता है कैसे भी पहन सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह चूड़ी पहनी हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये सेट देखिए बनाई, बीच में इसमें मोती है मेरे इसमें कंगन में, और दो साइड चूड़ी है। और डिजाइन कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत चमक रहा है। तो मैं ऐसे ही ज़्यादा करके पहनती हूँ, और नहीं तो मैं खाली बीच में हटा के पहनती हूँ, नहीं तो कभी कभी बीच में डाल के पहनती हूँ। देखिए ऐसा पहनती हूँ ज़्यादा करके। ऐसे क्या होता है मतलब पूरा लुक मतलब चूड़ी का लुक पूरा आ जाता है इसके अंदर, और दोनों टाइप दोनों साइड तो कंगन का रहता है, ये चमकता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। मेरे साड़ी पे पूरा मैचिंग करता है, बहुत सुंदर दिखता है। मैं इस मतलब मेरा ये साड़ी पूरा फेवरेट हो चुका है, क्योंकि मतलब इसका बॉर्डर पतला है, ब्लाउज हैवी है, बहुत सुंदर दिखता है। इसका लुक पर जब पहनूंगी तो मैं पहन के आपको दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा। तो इस तरह आप पहन सकते हैं, मैं तो ऐसा ही पहनती हूँ। देखिए एक ये देखिए चारों मतलब मैं एक में डाल दी इसको, मतलब एक हाथ में पहनने का मन, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में ये, इस तरह पहनेगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो ऐसा भी पहन सकते हैं, सब अपने अपने मन से पहनते हैं। तो मैं बस मुझे मेरा मन किया कि मैं बता दूँ थोड़ा अपना, मतलब होता है ना ख्वाहिश अंदर दिल में जो लगता है कि कैसे मुझे पहनना था, क्यों सबके साथ शेयर किया जाए। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे पहनती हूँ, तो आप भी इस तरह पहन सकते हैं, और कोई बात नहीं है। मतलब एक तो मेरा वीडियो भी बन जाएगा और मेरा एंजॉय भी हो जाएगा, ऊपर से मैं आपको बता भी दूँगा कि मैं कैसे कैसे पहनती हूँ। देखिए ये लुक कितना अच्छा, ये भी हाथ में पहनने के लिए दोनों साइड मोटा मोटा, अब बीच में दो दो वो, और चूड़ी ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा तो आप सूट पे भी पहन सकते हैं, साड़ी पे भी, किसी भी पहन सकते हैं ये वाला लुक। ये पूरा मतलब हाथ भर गया, देखिए मेरे ये उंगली जो है पूरा भर चुका है, तो ऐसा पूरा भर जाता है, अच्छा दिखता है। तो चूड़ी सब मैं निकाल के इधर, तो
रख देती हूँ। और देखिए बीच में डाल के पहनना है तो बीच में डाल के भी आप पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखता है। ज़्यादा करके मैं कोई भी साड़ी में ऐसे ही पहनती हूँ। चूड़ी मुझे अच्छा लगता है, बीच में मोटा वाला कंगन और दोनों साइड चूड़ी, कोई भी रहे, प्लेन रहे, ये रहे। आप देखोगे मैं आपको ये वाला स्टेप जरूर सब में दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ज़्यादा करके मैं ऐसे ही पहनती हूँ। सिंपल चूड़ी रहता है ना, प्लेन में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो सिंपल में नहीं है, थोड़ा डिजाइन इसमें नग बैठा हुआ तो अच्छा दिख रहा है। ये चूड़ी मैं गांव से लाई, मैं 3-4 डब्बा चूड़ी गांव से लाई हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मिलता है सब चूड़ी। यहाँ बस मिलता है लेकिन सिंपल नहीं मिलता है, इससे नहीं मिलता। देखिए ये वाला बीच में भी एक पतला वो डाल के भी आप पहन सकते हैं, तो इससे भी कैसे भी आप पहन सकते हैं। तो मैं तो वैसे ही पहनती हूँ। देखिए एक तरह ये बीच में डाल के भी कितना अच्छा लग रहा है, लोग बीच में ये ऐसे ही पहन सकते हैं। 4 था वो वाला कंगन, तो मैं बीच में एक डाल के 2 साइड इधर हो गया, तो 3 साइड का मतलब बन गया। तो चलिए मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ उसको। तो देखिए मैं पहले जिनसे गलती हो गई, मतलब वीडियो ऐसे बना था लेकिन लंबा वीडियो बन गया, कि कितना अच्छा लुक रहा है, मैं लुक लग रहा था मेरे पीछे बैक साइड का और रस्सी का। तो देखिए मैं चूड़ी मैचिंग इस तरह पहनी, साड़ी भी इस तरह पहनी, अच्छा लग रहा है ना। बॉर्डर पतला है, ब्लाउज हैवी है, तो इस तरह साड़ी बहुत सुंदर है। मेरी मम्मी मुझे ये साड़ी दी थी। तो मैं वीडियो कैसा लगा, मैं वीडियो को लाइक